ओम शांति, आपका स्वागत है। अब हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 31 जुलाई के ईश्वरीय वरदान की, जहाँ पर हम पिता परमात्मा चाहते हैं कि हम नम्रता के द्वारा एक अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझें, और परमात्मा हम इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम निमित्त हैं, परमात्मा हमें इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कार्य को कराने के लिए, चाहे वो कोई भी कार्य हो, घर का कार्य हो, चाहे सेवा का कार्य हो। तो देखें, परमात्मा कहते क्या हैं कि हम लाइट कैसे रहें, हल्के कैसे रहें। बाबा कहते हैं, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण। निमित्त मतलब कि इंस्ट्रूमेंट, और निर्माण मतलब नम्र, ईगोलेस। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो, तब माया भारी, तब माथा भारी होता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ये आता है, मैं ही कर सकता हूँ। इनको तो समझ नहीं है, इनको पता नहीं है, हमेशा गलती करते हैं। इनको कैसे समझाया जाए, कैसे करा जाए, मैं ना हूँ तो कैसे हो काम, मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता। चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे वो बॉस हो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, हम क्या करते हैं, हम औरों को देते नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और हम परमात्मा के ऊपर छोड़ते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं, जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, मैं सिर्फ गिटार हूँ, परमात्मा बजा रहा है ये गिटार को। मैं सिर्फ कार हूँ, परमात्मा चला रहा है ये कार को। कार खुद से नहीं चलती है, गिटार खुद से नहीं बजता है। तो यह स्मृति हल्का बना देती है, इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, अब पुरुषार्थ कर रहे हैं, सुबह उठना है, मृत्युवेला उठना है, 4 बजे उठना है, मुरली पढ़नी है, दिन भर अपने आप के ऊपर अटेंशन देना है, कोई कोई पाप कर्म ना हो जाए, ये सारी चीज़ों का टेंशन का बोझा नहीं लेना। परमात्मा कहते हैं, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, हल्का बना देते हैं। इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, सेवा करनी है, लोगों को हेल्प करनी है, कैसे करेंगे, कैसे होगा, उनको कैसे समझाएंगे, उधर जाके लेक्चर कैसे देंगे, ये सब कुछ, संपर्क संबंध निभाने का बोझ, संपर्क में दोस्त हैं, साथी हैं, संबंधी, उनको केयर करना, उनको संभालना, कैसे करेंगे, मेरे पास में कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ये क्या आएगा। परमात्मा कहते हैं, सब कुछ बाबा पे छोड़ दो, सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। छोटे मोटे बोझ, अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, तो ये मैंपन भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। निर्माणता मतलब नम्रता। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः आ जाता है। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, परमात्मा यूज़ करना चाहिए करेंगे, नहीं करना चाहिए नहीं करेंगे, मैं अपना मस्त मौला, बेफिक्र बादशाह। तो ये स्मृति रहनी बहुत ज़रूरी है, यही प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सब कुछ मैं ही नहीं कर सकता, सब कुछ मेरे ऊपर ही नहीं हो सकता, मैं ही सबसे केपेबल, मैं ही सबसे काबिल नहीं हूँ। परमात्मा जिसको यूज़ करना चाहे उसको यूज़ करें, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। यह हमें हल्का बना देती है और हमारा पुरुषार्थ आसान हो जाता है। हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमारी आदतें, बुरी आदतें खत्म होती शुरू होती हैं। ये कैसे करें और गहराई से इसको समझने के लिए ब्रह्मा कुमारी इसका सेम डिस्कोर्स करिए। इसके साथ ओम शांति।